Hello everyone, I welcome you all. So in this video, we are going to see about preamble of Indian Constitution. Bhartiya Samvidhan ki prastavna ke baare mein hum dekhne ja rahe hain. To chaliye start karte hain aaj ka video. Sabse pehle kuch facts dekh lete hain. Jo preamble hai Indian Constitution ke andar, wo inspire hoke liya gaya hai United States of America ka jo Constitution hai, uske preamble se. Means, agar aap United States of America ka Constitution khole, to uske andar preamble nazar aayega. Usi preamble se inspire hoke, jo Indian Constitution makers the, means Constituent Assembly ka jo मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल रखेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो प्रीएम्बल है वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल से द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच ऑल्सो स्टार्ट विद वी द पीपल The original Constitution of India was handwritten by Prem Bihari Narayan Rayajada in flowing italic style with beautiful calligraphy. जो अपना Indian Constitution originally लिखा गया था वो पूरी तरीके से handwritten है एंड उसको लिखा किसने तो उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जिन्होंने फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और उसमें कैलीग्राफी का बहुत ही अच्छे से यूज किया गया फिर जब लिख लिया गया तब शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने हर एक पेज को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है ब्यूटिफाई किया है The original copies of the Indian Constitution written in Hindi and English are kept in special helium-filled cases in the library of the Parliament of India. जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसके अंदर लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जो ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा गया है उसको प्रिजर्व करके रखा गया हीलियम फिल्ड ग्लासेस के अंदर ताकि ये ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व होके रह सके जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था एंड जब डिबेट होना स्टार्ट हुआ डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ ड्राफ्ट के ऊपर तब मोर देन 2000 अमेंडमेंट जो हैं किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने से पहले सो यू कैन जस्ट थिंक कि कितना जो है हार्डवर्क किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड ऑन 24 जनवरी 1950 और जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसको उसके ऊपर 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन सब ने साइन किया बट 24 जनवरी 1950 को सिर्फ 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे उस दिन जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किया तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तो 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने उसके ऊपर साइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने 284 लोगों ने साइन किया एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 जिसमें से 15 औरतें थी और 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया और इसको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 से इसलिए 26 जनवरी 1950 से हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, intact and give to ourselves this constitution. Is प्रीएम्बल के हर एक वर्ड जो हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन वर्ड्स से ही आप एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है क्योंकि हर एक वर्ड का बहुत ही एलोबरेटेड मीनिंग है बहुत ही वास्ट मीनिंग है सो और मैं आपको बोलूँगा कि अगर हो सके तो इस प्रीएम्बल को याद करके रख सके क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर पूछ लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके अंदर कौन सा वर्ड पहले आता है सोवरेन पहले आता है या सोशलिस्ट पहले आता है या सेकुलर पहले आता है ठीक है तो इन सब चीज़ों के जो आंसर्स हैं वो आप इजिली दे पाएँ उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो आप अगर याद कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ प्रीएम्बल के वर्डिंग्स के ऊपर बन जाती है The preamble to the Constitution
of India is rightly termed as the identity card of the Indian Constitution. जो preamble है Indian Constitution का, उसको identity card कहा गया है Indian Constitution का. जिस तरीके से आप अगर identity card रखे हुए हैं, तो कोई unknown person आपके बारे में पूछता है, तो आप उसको अपना identity card दिखाएंगे, तो एक overall idea लगा सकता है वो बंदा कि हाँ आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप कहाँ पे जॉब करते हो या कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो. सो एक ओवरऑल आइडिया लगाया जा सकता है. उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पूरी तरीके से किसी ने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने जा रहा है एंड वो उसने प्रीएम्बल को पढ़ा, तो एक वो आइडिया लगा सकता है कि हाँ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाला है. जो प्रीएम्बल है ये एक इंट्रोडक्शन है. जिस तरीके से हम किसी किताब को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हाँ भाई आपको इस किताब में ये चीज़ें मिलेंगी, ये टॉपिक कवर किया हुआ है. उसी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है वो इंट्रोडक्शन देगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. और जो प्रीएम्बल है इट कंटेन्स द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल के अंदर आपको मिल जाएंगे कि क्या आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और बेसिक प्रिंसिपल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल से और लास्ट में बोला गया एडप्ट इंटैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ. गिव आवर सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन दोनों वर्ड से, ये जो वी द पीपल एंड गिव आवर सेल्फ, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्लियरली सजेस्ट करते हैं दैट द पावर लाइज विद द पीपल. जनता के हाथों में ही सारी पावर जो है, सारी ऑथोरिटी दी गई है. इन दो चीज़ों से सिग्निफाई होता है. द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडेप्टेड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को हमने जगह दिया है, प्रीएम्बल जो आज के टाइम पे हम देखते हैं, एक्चुअली वो पहले ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. फिर उसको मॉडिफाई करके आज का जो प्रीएम्बल है उसको हम देख रहे हैं. मीन्स ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लाया गया, उसको मॉडिफाइड, उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वही प्रीएम्बल है. तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन किसने लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था. तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रीएम्बल जो है किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था उस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया गया है. द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है वो पूरी तरीके से दर्शाई जाती है प्रीएम्बल के द्वारा. जो आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको चार बेसिक चीज़ का आइडिया मिल जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो पहला मिल जाता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने अथॉरिटी कहाँ से ली, उसको पावर कहाँ से मिलती है. तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो है पीपल ऑफ इंडिया. मीन्स जो भारत की जनता है उसने ही अथॉरिटी दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए. द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया जो है किस टाइप का देश है. तो इंडिया जो है सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है. आप देखेंगे इन सारे वर्ड्स को प्रीएम्बल में यूज़ किया गया. तो प्रीएम्बल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है इंडिया का. तो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है. देन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किस लिए हमने ये संविधान रखा है. तो संविधान रखने का कारण जो है वो ये है कि हम जस्टिस प्रोवाइड कर सके हर किसी को, बराबरी का हक दे सके हर जो सिटीजन है यहाँ का उसको, देन आज़ादी दे सके मीन्स लिबर्टी दे सके एंड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारे की भावना हर किसी में रहे. तो ये ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. देन कौन सा डेट को हमने अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 26 नवंबर 1949 को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. एंड उसको हमने पारित कब किया मीन्स उसको इन्फोर्स कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को. फिर जो पहला वर्ड जो है वो आता है सोवरेन. तो सोवरेन का मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, हम टोटली फ्री हैं एक्सटर्नली एंड इंटरनली. हमारे ऊपर कोई भी देश जो है प्रेशर नहीं डाल सकता किसी पर्टिकुलर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, तो सोवरेन का मतलब है पूरी तरीके से फ्री, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है. पहले कैसा था कि हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी में काउंट होते थे, बट आज के टाइम पे हाँ वैसा नहीं है, हम पूरी तरीके से सोवरेन है मीन्स टोटली हम फ्री हैं. द प्रीएम्बल प्रोक्लेम्स दैट इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, सच अ प्रोक्लेमनेशन डोनेट्स एंड ऑफ रूल ओवर इंडिया. सोवरेन जब यूज कर दिया गया वर्ड, इसका मतलब है कि इंडिया के ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा है, इंडिया
कि जनता जो है अब इंडिया के ऊपर रूल कर रही है, यहाँ पे किसी और पावर का रूल नहीं है. इट टेस्टिफाइज टू द फैक्ट दैट इंडिया इज नो लॉन्गर और डिपेंडेंसी और कॉलोनी और पोसेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन. और जो वर्ड सोवरन यूज कर दिया गया, ये साफ साफ दर्शाता है कि जो इंडिया है वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया कॉलोनी नहीं है और इंडिया कब्जा किया हुआ क्षेत्र नहीं है ब्रिटिश क्राउन का. एज अ सोवरन इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया इज फ्री बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू टेक हर ओन डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दीज फॉर हर पीपल एंड टेरिटरी. सोवरन है इंडिया, इसीलिए सोवरन है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इंडिया जो है पूरी तरीके से फ्री है इंटरनली एंड एक्सटर्नली कि वो कोई भी डिसीजंस ले सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है अपने देश की जनता के लिए और अपने टेरिटरी के लिए. नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट. तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो निकल के आया है सोशलिज्म से, समाजवाद से. तो सोशलिस्ट के अंदर कोशिश की जाती है कि हर किसी को बराबरी का हक दिया जाए. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि हर किसी को बराबरी का दर्जा मिले. तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो ऐड किया गया था इंडियन प्रियम्बल में 1976 में, और 1976 में ऐड किया गया. दैट मीन्स ये कौन सा वा अमेंडमेंट है, तो ये 42nd अमेंडमेंट है. ट्रिक क्या है याद करने की, ईयर एंड अमेंडमेंट, 4+2 क्या होता हो जाता है 6, तो 1976 लास्ट में क्या आया 6, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत ही सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ऐड किया गया प्रियम्बल में. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछ लेते हैं कि इंडियन प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट वर्ड को कब जगह दी गई, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें दिया गया. द वर्ड सोशलिस्ट रिप्रेजेंट दैट इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिटीजन्स टू प्रोवाइड देम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. जो वर्ड सोशलिस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि अपने सिटीजन्स को वो प्रोवाइड करे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, किसी के साथ इन चीज़ों पे भेदभाव ना हो. सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक फिलॉसफी वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय द स्टेट. और जहाँ पे सोशलिज्म को पूरी तरीके से 101% अगर बोलें नॉर्मल भाषा में, अगर वहाँ पे 100% सोशलिज्म फॉलो होता है, दैट मीन्स वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा सामानों का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट देखती है. बट इंडिया में अगर हम देखें तो हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ करते हैं, हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेशन है. इंडिया एडेप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर अपार्ट फ्रॉम द स्टेट देयर विल बी प्राइवेट प्रोडक्शन टू. यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी डाल के रखी है एंड प्राइवेट कंपनियों को भी हक है कि आप भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप भी अपना बिजनेस कर सकते हो. बट कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं किसी भी ह्यूमन बींग के लिए उसके ऊपर लगाम लगा के रखती है, ताकि जो बेसिक नेसेसिटी है वो हर एक इंडिविजुअल के पास पहुँच सके. सोशलिज्म एज अ सोशल फिलोसफी स्ट्रेस इज मोर ऑन सोसाइटल इक्वलिटी, और ये समाज में समानता की बात करता है. सोशल इकोनॉमी जो फिलॉसफी देता है उसके मुताबिक हर किसी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में. सोशलिज्म के दो टाइप होते हैं अगर ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें. एक होता है कॉम्युनिस्ट सोशलिज्म, और कॉम्युनिस्ट जो सोशलिज्म होता है उसके अंदर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो टोटली एब्सेंट रहेगा. एंड दूसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एज वेल एज पब्लिक सेक्टर ओनरशिप ऑन सम एरियाज, सम सेक्टर्स. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेशन. इंडिया हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, देयर इज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एज वेल एज पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन. देन जो वर्ड है वो है सेकुलर. सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष. मीन्स इंडिया एज अ कंट्री किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट करता है, किसी को बढ़ावा नहीं देता है. दिस वर्ड इज इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट मीन्स 1976 में इसको ऐड किया गया. इट स्टेट्स दैट ऑल रिलीजन शुड इंजॉय इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड रिस्पेक्ट. इंडिया में हर एक जो धर्म है उसको बराबरी का हक दिया गया है, इक्वल स्टेटस दिया गया है, एंड सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट पे करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वर्ड वाज
दिस वर्ड ऑल्सो गारंटीज इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन इन इंडिया, एंड इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं उन सबको आज़ादी है। अगर किसी हिंदू धर्म वालों को फ्रीडम दी गई है तो उसी तरीके से मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म एंड सिख धर्म, जितने भी रिलीजन हैं उन सबको इक्वल फ्रीडम दिया गया है। अगर किसी एक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला जाएगा तो वही रिस्ट्रिक्शन जो है सबके ऊपर डाला जाएगा। एज अ स्टेट इंडिया गिव्स स्पेशल स्टेटस टू नो रिलीजन, किसी धर्म को हम स्पेशल स्टेटस नहीं देते हैं, तो इससे डिफाइन होता है कि इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है। डेमोक्रेटिक, इट इंडिकेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार एंड जनता के लिए सरकार। द पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, हर किसी का जो पॉलिटिकल राइट है वो दिया गया है। पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ रूल, यहाँ पे हर जो इंसान है, जो सिटीजन है, जो 18 साल और उससे ऊपर है, हर किसी का जो वोट का काउंटिंग है, एक बंदा एक वोट, जो 18 साल है एंड उससे ऊपर है। तो यहाँ पे स्टेटस के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, रिलीजन के नाम पे या कास्ट या सेक्स के नाम पे नहीं बोला गया कि नहीं भाई आप इस कास्ट के हो, इस रिलीजन के हो, तो आपका एक वोट का वैल्यू इतना रहेगा, इस तरीके का कुछ नहीं है। इंडिया में हर एक इंडिविजुअल जो 18 साल और उसके ऊपर का है, उसका एक बंदा जब वोट डालता है तो एक वोट काउंट होता है। सो इस तरीके से इक्वलिटी दी गई है हर एक सिटीजन को, एंड वो पूरी फ्रीली पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। मींस जो कास्टिंग वोट होता है, वोट जब डाले जाते हैं, जनता जब सरकार चुनती है, तो हर किसी को बराबरी का हक दिया गया। दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, इंडिया की जो जनता है वो खुद अपना सरकार चुनती है इलेक्शंस के द्वारा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द पीपल, और गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो गवर्नमेंट जो है जनता को जवाब देगी। अगर देश में जनता अगर ठीक नहीं है तो पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा, देन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो फिर सरकार जो है गिर जाती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो पीपल है, मतलब जो जनता है देश की, वही देश चला रही है, पूरा कंट्रोल जो है देश का वो जनता के हाथों में, क्योंकि जनता को ही ये पावर दिया गया है कि आप ही सेलेक्ट करो कि कौन सा नेता आपका जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। The government enjoys limited powers. It also acts under the constitution which represents the supreme will be the people. और जो government है वो भी किसके under में count होती है, तो constitution के अंदर में। constitution जो है हर किसी को रास्ता दिखाता है, और जो government है वो responsible है, और constitution बताता है कि जो supreme authority है इंडिया की वो भारत की जनता के हाथों में है। Then republic, this word states that India is not under any monarch or nominated head. Republic का मतलब है कि हम अपना head जो है वो खुद चुनते हैं। यहाँ पे कोई monarch system नहीं चल रहा है, hereditary चीज़ें नहीं चल रही है कि हाँ कोई राजा था, फिर वो राजा अगर राजगद्दी से हट जाता है तो उसका बेटा या उसकी बेटी जो है फिर राज करेंगे। इस तरीके का हम इंडिया में फॉलो नहीं करते। इंडिया जो है फुल्ली रिपब्लिक है, दैट मीन्स हम monarch system या नॉमिनेटेड हेड नहीं रखते हैं। इट मीन्स दैट इंडिया has an elected head of state who holds the power for a fixed term. India में जो head है, means जो president है, उसका election होता है, भले indirect form of election है, but elect होके president को भेजा जाता है, जो first person count होते हैं India के। तो ये election के द्वारा किया जा रहा है, हम nominate करके president को नहीं बैठा रहे हैं, या हम लाइफ टाइम अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं कि चलो आप प्रेसिडेंट बन जाओ, उसके बाद फिर आपके एक्सपायरी के बाद फिर आपके जो वंश हैं वो कंटिन्यू करेंगे। इस टाइप का सिस्टम नहीं है, इसीलिए इंडिया जो है रिपब्लिक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड सोवरेन हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट हेरिडेटरी, ये वंशानुकूल नहीं चलेगा। देन जस्टिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके अंदर इस वर्ड को भी जगह दी गई है। तो जस्टिस किन किन चीज़ों में, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस एंड पॉलिटिकल स्टेटस, इन तीनों के ऊपर जो है जस्टिस मिलेगा हर एक इंडिविजुअल को। Social justice denotes equal treatment of all citizens without any discrimination on the basis of caste, race, religion, sex and so on.
जो सोशल जस्टिस है वो बताता है कि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति के नाम पे, रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, सेक्स के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। जो भारत की जो सरकार है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी गरीब और अमीर के बीच में, वही डिनोट किया गया है इकोनॉमिक जस्टिस के द्वारा। देन पॉलिटिकल जस्टिस जो है डिनोट करता है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, हर जो सिटीजन है इंडिया का उसके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हमने ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ये कहाँ से लिए हैं, तो ये रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके इन वर्ड्स को जगह दी गई है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके इन वर्ड्स को जगह दी गई है। देन लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी। यहाँ पे भारत की जो जनता है उसके ऊपर जबरदस्ती राज नहीं किया जा रहा, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, इंडिविजुअल्स की, वो पूरी तरीके से फ्री छोड़ा गया है लोगों को, एंड हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके एंड सोसाइटी को डेवलप कर सके। तो इसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट जो है वो आपको किसी पर्टिकुलर काम को कंपेल करने के लिए कंपेल नहीं करेगी, जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। यहाँ पे हर किसी को आज़ादी है, और ये जो आज़ादी दी गई है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के रूप में दी गई है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि कोई भी कंट्री जो है एब्सोल्यूट अगर आज़ादी दे देती है हर एक इंडिविजुअल को, तो वो इंडिविजुअल तो कुछ भी कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ जो चीज़ें सही हैं कंट्री को रूल करने के लिए, कंट्री में शांति बना के रखने के लिए, वैसी आज़ादी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करता है, ताकि हर एक सिटीजन जो है वो डेवलप कर सके, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, एंड वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के डेवलपमेंट में। द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी है, किसी भी चीज़ पे विश्वास करने का, देन किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी भी भगवान को आप पूज सकते हैं, इन सब चीज़ों की आज़ादी दी गई है और इनको फंडामेंटल राइट्स के अंदर रख दिया गया है, ताकि हर किसी को जो है आज़ादी मिल सके। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? तो बेसिक नीड्स हैं जो किसी एक इंडिविजुअल को चाहिए होता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमें डिग्निटी के साथ जीना है। और जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि लिबर्टी जो है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर। तो लिबर्टी यानी आज़ादी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, एंड सोशलिस्ट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। द नेक्स्ट इक्वलिटी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हर जो इंडिविजुअल है इंडिया में वो इक्वल है, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा बिफोर लॉ, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हर किसी के लिए सजा जो है बराबर रहेगी, हर किसी के लिए अगर कोई स्कीम आती है तो वो भी बराबर तौर से रखा जाएगा। बट कुछ चीज़ें रखी गई हैं कि अगर कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको वो चीज़ें नहीं मिली हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ है। सो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि हर जो इंडिविजुअल है वो कानून के सामने बराबर है एंड किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, दैट इज नेचुरल इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉइंग इक्वलिटी बिफोर लॉ। देन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज एडवोकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू डेवलप फॉर सिक्योरिंग द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स एंड गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। और जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, इन सब चीज़ों को भी फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये मूल आवश्यकताएं हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरत है किसी भी इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए, आज़ादी से जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए। सो आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है वो डील करता है इक्वलिटी के साथ। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारा। वी ऑल हैव टू बिहेव एज मेम्बर ऑफ वन फैमिली। हम सब जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, हमें एक परिवार के रूप में
रहना चाहिए, हम सब के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, नो वन शुड ट्रीट द फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर. अगर यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत टाइप के रिलीजन हैं, बहुत टाइप के कास्ट हैं, बहुत सारे टाइप के लोग हैं, बट ये इंडिविजुअल का कर्तव्य बनता है कि हर जो सिटीजन है इंडिया का, उनको वो बराबरी के नज़र से देखे, उनको अपने वो परिवार का हिस्सा मान के चले, क्योंकि एक देश के रूप में हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं जो एकजुट होके हमेशा रहेंगे. सो फ्रेटर्निटी कहता है कि हम सब के बीच में हमेशा भाईचारा बन के रहनी चाहिए, ताकि हम हमेशा एकजुट रहें और डेवलपमेंट जो हो रही है अपनी कंट्री की, उसमें अपना योगदान हर स्टेप पे करते जाएं. सो ये था पूरा इंडियन प्रीएम्बल के बारे में. आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. बट एक लास्ट पॉइंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. दैट्स ऑल, थैंक यू.